फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव के बारे में, जो कि 32 लीटर्स में आएगा, जो कि सैमसंग में है। इसका मॉडल नंबर है MC32K7056CC। MC32K7056CC, जो कि ये माइक्रोवेव 32 लीटर्स में है, ये ड्रॉप डाउन में मिलेगा सबसे पहले तो, ठीक है? आपको इसको अप से डाउन खोलना है। ये पूरा का पूरा टच पैनल के साथ आएगा, ठीक है? आपको इसमें एडजस्ट करने के लिए टाइमर के लिए नॉब मिलेगी। मैं इसमें बता देता हूं सर कि आपको इसको यूटिलाइज कैसे करना है, कि आपको इसको ऑपरेट कैसे करना है। जैसे कि ये एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव में सबसे टॉप मॉडल है, ये हॉट ब्लास्ट के साथ आता है। इसका मॉडल का नाम ही हॉट ब्लास्ट है। दूसरे कोई भी आप माइक्रोवेव देखते हैं, उसकी जो ग्रिलिंग होगी, उसकी ग्रिलिंग थोड़ी सी पीछे साइड पे होती है। आप इसकी ग्रिलिंग देखेंगे थोड़ी सी आगे की तरफ है। मतलब कि दूसरे माइक्रोवेव में कोई भी चीज आप ग्रिल करते हैं और इसमें आप ग्रिल करते हैं, ये 50% फास्टर ग्रिल करेगा दूसरे से। वो आपको जैसे कि यहां पे हॉट ब्लास्ट का ऑप्शन है ऑटो का, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा हॉट ब्लास्ट का। या हॉट ब्लास्ट ऑटो में क्या होगा, आपको कोई चीज आपने मैरिनेट किया है, ठीक है, कोई चीज आपको बनानी है, आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि उसको कितने टेम्परेचर में बनाना है, ठीक है, ग्रिलिंग की पावर कितनी होनी चाहिए या कितनी गर्माहट होनी चाहिए, तो आप हॉट ब्लास्ट ऑटो को यूज करेंगे यहाँ पे। नॉर्मल अगर आपको पता है कि उसको आपने जो मैरिनेशन किया है उसको कितने टाइम में बन जाएगा वो इतनी ग्रिलिंग में, तो आप हॉट ब्लास्ट का यूज करेंगे, ठीक है? इसमें एक फीचर ये है, जैसे कि आप अलग से एक एयर फ्रायर परचेस करते हैं जो कि वैल्यू रखता है 6,000, 7,000, 10,000, 12,000 कैपेसिटी के हिसाब से, फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, जितनी बड़ी फैमिली मेंबर्स हैं। इसमें क्या है, इसमें स्लिम फ्राई, एक एयर फ्रायर का ऑप्शन बिल्ट इन ही मिलेगा माइक्रोवेव में। आप जैसे कि समोसा है, समोसा आपने घर पे बनाया, उसको आपको डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने नॉर्मली समोसा या पकौड़ा, नॉर्मली पकौड़ा तो चलो हाफ डन करना पड़ेगा फिर भी, लेकिन अगर आप समोसा यहाँ पे रखते हैं, आपको सिर्फ उसकी लेयर बनानी पड़ेगी तेल की, जो कि 80% लेस ऑयल यूज करेगा। इसमें आपको बाहर से क्रिस्पीपन, अंदर से जूसीपन पूरा मिलेगा, जो एक एयर फ्रायर में मिलता है। साथ ही में आप जैसे कि ड्राई फ्रूट्स लेते हैं बाहर, जो ड्राई फ्रूट्स को ड्राई करते हैं बाहर, वो भी फीचर्स आपको सेम इसी में मिलेगा, जिसको सन ड्राई भी कहते हैं। साथ ही में इंडियन रेसिपी का आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है? आपको एक हैबिट है खाना बनाने की, जिसमें इंडियन रेसिपीज में काफ़ी सारी दाल मखनी आती है, कढ़ाई पनीर आता है, जो हम नॉर्मली टेस्ट चाहते हैं कि होटल का टेस्ट मिले, जो हमें नहीं मिल पाता है। आप अगर YouTube पे उसका मैरिनेशन देखते हैं, आपको कितने टेम्परेचर में बनाना है, यहाँ पे आपको एक रेसिपी मिलेगी इंडियन रेसिपी के नाम से। ये वैसे सारी रेसिपीज दी हुई हैं, इस हिसाब से आपको यहाँ से देख के यहाँ पे एडजस्ट करना होता है, ठीक है? यहाँ इंडियन रेसिपी के हिसाब से आपको ये सारा कुछ मिलेगा, जैसे कर्ड बनाना है, सूप्स बनाना है, किसी भी तरीके का। ये इंडियन रेसिपी में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितने नंबर पे आपने जो बनाना है, जैसे सेकंड नंबर पे सूप है, कर्ड सूप है, ठीक है, स्वीट से थर्ड नंबर पे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एक चीज आपको ये भी मिल जाएगी, जैसे मान लीजिए फ्रोजन आइटम आप फ्रीजर से निकालते हैं, बहुत जमा होता है और आपको मतलब इमीडिएटली उसको बनाना पड़ता है, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, ये पावर डिफ्रोस्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें, ठीक है? जमी हुई कोई भी चीज अगर आप इसके अंदर रखेंगे, पावर डिफ्रोस्ट पे लगाएंगे, तो आपको वो बनाने लायक मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल वो उसमें जो भी आइस होगी वो मेल्ट कर देगा। इसमें आपको कॉम्बो डायरी का भी ऑप्शन मिलेगा, कॉम्बो प्लस डायरी कहते हैं इसको, जिसमें आपने अगर इसमें नॉनवेज बनाना है, सब्जी बनानी है,
किसी भी तरीके का दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसमें कर्ड बनाना है, दूध से रिलेटेड कोई आइटम बनानी है तो डेयरी का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही में आपको यहाँ पे एक कॉम्बी का दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें इसकी ग्रिल और एक मैग्नेट्रॉन वो वर्क करेगा, और दूसरा क्या है इसमें इसकी एक ग्रिल और जो कन्वेक्शन फैन है वो काम करेगा। वो आपको देखना है कि कौन सी आइटम किस चीज में आपको बनानी है। साथ ही में माइक्रोवेव का ऑप्शन तो नॉर्मली इसमें मिलेगा ही, रीहीटिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए। जैसे आपको राइस को बॉइल करना है तो वो माइक्रोवेव में आप करेंगे। साथ ही में इस पूरे के पूरे कन्वेक्शन जो माइक्रोवेव है जो 32 लीटर्स में है, इसकी कंप्लीट वारंटी जो है 1 साल आती है, ठीक है, और 5 साल रहेगी इसकी वारंटी मैग्नेट्रॉन की। इस कंपनी की एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो कि सेरेमिक कोटेड कैविटी देगी, ठीक है। ये सेरेमिक कोटेड कैविटी है, ये आपको दूसरे किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगी। ये कैविटी का फायदा ये है, एक इजी टू क्लीन है, ठीक है। आप देखेंगे 4-5 साल के बाद आपका कोई भी माइक्रोवेव होगा वो स्क्रैच पड़ने लग जाएंगे यहाँ पे। कोई भी जैसे बर्तन रखते हैं गिर गया, स्क्रैच पड़ गया, इसमें स्क्रैच नहीं पड़ेगा। इस चीज को गारंटी में रखते हुए कंपनी ने 10 साल की अलग से वारंटी दी है कैविटी की, जो कि 10 साल तक भी आपका कोई किसी भी तरीके की कोई खराबी नहीं आएगी। बाकी आप इस माइक्रोवेव को देखेंगे 32 लीटर्स 5-6-7 लोगों की फैमिली मेंबर्स के लिए एक इनफ है, और काफी अच्छे मार्केट में रिव्यूज हैं, और इसकी वैल्यू तकरीबन 20-22 हजार रुपए की है, जो बहुत अच्छे प्राइस में है, ठीक है। बाकी काफी अच्छे रिव्यूज हैं, आप अपनी फैमिली के लिए परचेस कर सकते हैं। और इस और एक चीज का मार्केट में ध्यान रखिएगा, आप कहीं से भी ये परचेस करें तो कंपनी इसके साथ बोरोसिल की एक किट देती है, जो कि दो बाउल साथ में आते हैं, ठीक है, ग्लास बाउल होंगे इसी के अंदर यूज करने के लिए। वो जरूर देखिएगा कि साथ में वो एज अ गिफ्ट सैमसंग कंपनी ही देती है। थैंक यू।